वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु। गाइस, आप लोग बार बार पूछते हो दी आप कौन सा क्रीम लगाते हो, आप कौन सा फेस वॉश लगाते हो। मैं बताती हूं ना, जो मैं आपसे शेयर करती हूं वीडियो में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूं आपसे, तो मैं वही सब लगाती हूँ। लेकिन कोई एक प्रोडक्ट मैं ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आप लोगों को रिव्यू देना है इसलिए। तो अगर आज हम बात करेंगे फेस वॉश को लेकर। देखिए, फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग स्क्रब नहीं करते उनके लिए एक अच्छा सा फेस वॉश मैं बताती हूँ आज। ये है एडवेंट नेचुरल का फेस वॉश। ये एक होम्योपैथी फेस वॉश है जिसमें है कैलेंडुला। कैलेंडुला क्या करते हैं, आपका जो स्किन में जो भी इंफेक्शन वगैरह है, पिंपल्स, एक्ने, इसको ठीक करने में बहुत अच्छा होता है। इसमें है नीम, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं नीम के अंदर में, तो ये डाली हुई है इसमें। इसमें है हल्दी, जो कि स्किन को फेयर करता है। अभी मैं बता रही हूँ, बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। तो स्किन को फेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है हल्दी। स्किन को फेयर करने के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसमें है बर्बेरी सकोफोलियम, जो कि स्किन को, आपका स्किन में अगर ज़्यादा मेलानिन पिगमेंटेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा आप धूप में जाते हो या फिर घर पे हो, कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करते हो, धीरे धीरे स्किन में दाग धब्बे आ गया है या फिर पिंपल्स का दाग निशान है, ये बर्बेरी सकोफोलियम का काम है कि उसको ठीक करना। तो इसमें बर्बेरी सकोफोलियम भी डाली हुई है। साथ में इसमें डाला हुआ है तुलसी। तुलसी क्या करते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। आप नॉर्मल सा तुलसी को पीस के स्किन में लगाएं तो स्किन आपका ग्लो करेगा। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें इसमें डाली हुई है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक फेस वॉश है। अब मैं बताती हूँ इसको मेरे ऊपर, जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे कैसा लगा। ये जो फेस वॉश है, ये फेयरनेस तो उतना अच्छा नहीं फेयर मुझे लगा इसको यूज़ करने के बाद। फेयरनेस में उतना ज़्यादा काम नहीं करता है मेरा जो एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर स्किन में डेड स्किन है तो वो ज़रूर रिमूव हो जाता है। अगर आप बाहर से आ रहे हो और आप, या फिर बहुत दिन से आप घर का मतलब कुछ भी फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करते हो, स्किन में कोई कुछ भी नहीं लगाते हो, आप DIY नहीं लगाते हो, कोई भी घर का फेस पैक या कोई भी कुछ नहीं यूज़ करते हो, स्किन में डेड सेल तो हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाते हैं, तो अगर ऐसा आपको है तो आप इसको तुरंत लगाओगे तो वो चला जाएगा, वो जो आपका स्किन का जो डेड सेल है वो चला जाएगा और नया जो स्किन है वो बाहर आएगा, जिससे आपका स्किन भी ग्लोइंग दिखेगा और फेयर दिखेगा नेचुरली। डेड स्किन रिमूव होगा तो थोड़ा सा फेयर तो दिखेगा, लेकिन फेयरनेस के लिए ज़्यादा फेयर नहीं करता है, थोड़ा बहुत इससे काम होता है। अब मैं बता दी इसको यूज़ करना कैसे है। इसको दो बार यूज़ करना है, सुबह एक बार नींद से उठे ब्रश किए, फिर फेस को वॉश करो, थोड़ा सा लो और पानी के साथ ज़रूर मिलाओ डायरेक्ट फेस वॉश को स्किन में। कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करो डायरेक्ट स्किन में नहीं, या तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके फेस में दो, नहीं तो थोड़ा सा पहले हाथ में पानी लो, थोड़ा सा फेस वॉश लो, उसको थोड़ा सा ऐसे करके फिर फेस में लगाओ, तो उससे आपका फेस भी क्लीन होगा अच्छे से और डायरेक्ट वो कोई भी फेस वॉश पोर में, अंदर पोर के अंदर में जाके वो नहीं रह जाएगा अच्छे से। फिर फेस को धो लो, जब स्किन आपका फेस वॉश हो जाएगा फिर उसके बाद स्किन को ड्राई होने दो। फिर ये एक्वी प्लस का और एक क्रीम आता है, इसका वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो, वो फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें भी कैलेंडुला है, चंदन है, जो लोग पुरोहित वगैरह होते हैं पूजा करते हैं वो लोग जहाँ पे चंदन लगाते हैं वो जगह धीरे धीरे व्हाइट हो जाते हैं। मतलब क्या, चंदन का मेन काम है मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करना। मेलानिन पिगमेंटेशन अगर स्किन में बढ़ जाता है तो फेयरनेस कम हो जाते हैं, आपका स्किन दब जाते हैं मेलानिन के नीचे, मेलानिन ज़्यादा हो जाते हैं स्किन में। तो चंदन का लेप अगर आप रेगुलर लगाते हो तो आपका स्किन नेचुरली फेयर होगा। तो वो एक्वा प्लस जो क्रीम है उसमें वो डाली हुई है, और बर्बेरी सकोफोलियम है जो कि मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करेगा और धीरे धीरे आपका स्किन लाइट होगा। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि स्किन को फेयर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका डस्ट की स्किन है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा। लेकिन इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ये दोनों अगर आप यूज़ करते हो, पहले तो आप मान लीजिए पार्टी में जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, अभी तो दुर्गा पूजा आने वाली है तो शॉपिंग करने के लिए अगर निकल रहे हो बाहर, भी जो फेस वॉश है उसको यूज़ कीजिए, फेस को ड्राई कर लीजिए, फिर एक्वा प्लस क्रीम या फिर सौंदर्या क्रीम भी बहुत इफेक्टिव होता है स्किन को ग्लोइंग करने के लिए। ये डेली यूज़ के लिए है, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी मतलब एकदम मतलब है मेडिसिन आप ये करो, ये हाँ मेडिसिन तो है लेकिन जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है उससे अच्छा है मुझे लगता है।
तो आप इसको लगाओगे, इसके इसको फेस वॉश करोगे, उसके बाद अगर आप एक्विक प्लस क्रीम लगाते हैं या सौंदर्य क्रीम, उसके आप ऊपर आप फेस पाउडर लगाओ, तो आपका स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप ग्लोइंग दिखोगे और फेस आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। इसका जो प्राइस है 115 रुपीज़ है, बहुत सारा मिलता है, इतना जल्दी आपका ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी भी है। तो इसको इस तरह से आपको यूज करना है, आप रेगुलर यूज कर सकते हो, कितना दिन तक यूज करना है आप जितना दिन चाहो आप यूज कर सकते हो। और भी होम्योपैथी का फेस वॉश मिलता है, वो भी चेंज कर कर करके यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज आप नॉन स्टॉप यूज करोगे वो धीरे धीरे स्किन में ना नॉर्मल सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा दिन 6 महीने इसको यूज किए फिर स्टॉप कर दिए। फिर 6 महीने एक्वी प्लस फेस वॉश भी मिलता है, वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है पिंपल्स के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, एक्वी प्लस फेस वॉश। चैनल में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अनुशुआ, फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।